रात भर बदन दर्द ये दर्द, फिलहाल अभी बॉडी थोड़ा ठीक हुआ है। ऊपर जाता है बद्रीनाथ और ये साइड जाएगा केदारनाथ, गुप्त काशी इधर से एक ओके। और ये देख सकते हो आप लोग केदारनाथ जाने का रास्ता। तो भाई इधर से देखो धारी देवी मंदिर, बहुत ही प्यारा है। रुद्रप्रयाग शहर टाउन कुछ इस तरह का है भाई, इतना प्यारा दिख रहा है देखो ना यार। तो है नमस्कार भाई और बहनों, सबका स्वागत है और एक न्यू प्यारी सी वीडियो में। तो कल हम लोग ये वाले गुरुद्वार में रहे और पार्किंग में गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह रख दिए थे, बट इधर साइकिल कोई छुआ होगा मेरा, ये सब पूरा बैन करके था, मतलब साइकिल क्या होगा इसको उठा के तो बैन होकर रखा है थोड़ा सा। तो अभी इधर से हम लोग निकल रहे हैं, तो आज हम लोग थारी देवी मंदिर जाएंगे, जाके घूमेंगे भगवान की कृपा से। तो नहाया, कपड़ा धुलाया, उसके बाद मैं सो ही गया। हाँ कल अच्छा खासा रेस हो गया अपन का, आज इधर से चल लो यार। तो आज सुबह नहाया बहाया बस निकले, अभी जा रहे हैं। आज भी अपना एक चैलेंज रहेगा कि भाई 100 रुपया से पूरा दिन गुजर पाऊँ या ना पाऊँ। कल तो हो गई थी, आज देखते हैं होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो मेन रास्ता तक निकलते हैं। तो भाई चैलेंज एक रखा था मैंने कि 100 रुपया से मेरा दिन गुजारना है मेरे को कुछ भी करके, लेकिन यार 150 रुपये से एक आदमी ने देखे गया कि लंच कर लेना, तो सही हो गया यार। छोटू भाई इधर रुक रहा है देख सकते हो, और हम लोग भागीरथी नदी तो कल सो रही दिए थे तिरी में, तिरी डैम पे। तो आज हम लोग साथ अलकनंदा, देख सकते हो अलकनंदा रिवर। हम लोग पूरा अभी सफ़र में पूरा अलकनंदा रहेगा, ये नदी के साथ जाते रहना है। अभी भागीरथी उधर कैसे आके मिलता है मेरे को भी पता नहीं, मैप में भी कहीं पर नहीं है, वो अंदर ही अंदर आता होगा क्या, पता नहीं क्या सीन है बट। और दो नंबर ये है कि सही हो गया यार, आज तो 150 रुपीज़ मिल गया, वो भी मेरा हाथ से नहीं जाएगा, सही है। चलो देखते हैं क्या सीन रहता है रात तक। हर हर महादेव। प्रयाग है 36 किलोमीटर और मादारी देवी आपका इधर से हो गया 7 किलोमीटर। तो प्रवत चलते हैं, दर्शन लेते हैं यार। मादारी देवी का मंदिर भी बहुत फेमस है और बहुत हिस्टोरिकल मंदिर है वो भी। रात भर बदन दर्द ये दर्द, फिलहाल अभी बॉडी थोड़ा ठीक हुआ है, सब देखते हैं क्या सीन रहता है। आप भी है डाउन भी है दोनों चीज़ है, लेकिन उतना आप नहीं है, डाउन है थोड़ा अच्छा खासा। सुबह सुबह कुछ भी खाया भी नहीं है, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किए नहीं है, चाय पिए थे और बाकी कुछ खाऊंगा नहीं अभी जब तक मादारी देवी का दर्शन नहीं होता है। रास्ता उतना आप भी नहीं है, डाउन भी नहीं है। हम लोग गंगोत्री यमुनोत्री में जो रास्ता मिला था उससे तो बहुत बढ़िया रास्ता है, अभी तो फिलहाल मिल रहा है बढ़िया रास्ता, ना आप नहीं है, पैर में दर्द भी नहीं होता है। चलो जितना हो सके जल्दी चलते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। पता नहीं यार और अभी अकेला अकेला चल रहा हूँ। हाँ महादेव कहाँ है तू। कभी ना इतना रोने का मन करता है भाई लोग, क्या बताओ यार, इतना मेहनत के बाद भी ना, इतना मेहनत करो तुम, इतना स्ट्रगल करो तुम अपनी लाइफ में तो सक्सेस नहीं मिलता है, क्या ही बताओ यार। मेरा तो कभी कभी इतना रोने का मन करता है यार, और मैं भी मेरे को भी पता है भाई यार सक्सेस इतनी इतना आसान चीज़ नहीं है कि फटाक से मिलेगा, लेकिन यार खाने को नहीं मिल रहा है, सोने को अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है। महादेव हमें भी थोड़ा देखो कि हम लोगों को नज़रअंदाज ही कर देते होंगे, इतना सारा मेहनत इतना स्ट्रगल, कभी कभी ना ऐसा मन करते साला इतना रो दूँ यार, दो धाम बाकी है। और आप लोग कहाँ, यूपी से कहाँ जा रहे हो? बद्रीनाथ जा रहे हो। आधारी देवी ज़रा दूर नहीं है, पहुँच ही गए और 2-3 किलोमीटर है बस, तो फटाफट चलते हैं और दर्शन लेते हैं माँ थारी देवी की। जय माता दी। तो देख सकते हो माँ थारी देवी मंदिर। भाई यार आप लोगों को तो पता ही है उत्तराखंड में जो फेमस मंदिर है सारो धाम, और ये बोलता है थारी देवी मंदिर जो कि रक्षा करता है सारो धाम का, उसके अंदर में तो फोन लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है और फ़ोटो खींचने भी नहीं देता, तो आप लोगों को इसलिए मैं बाहर से ही दिखा पा रहा हूँ।
और सब लोग बाहर से ही दिखाते हैं, और आप लोग देख के भी मजा लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी की। बस पहुँच ही गया ये डाउन, जहाँ डाउन जहाँ ख़त्म होगा उधर से इसका गेट शुरू हो जाएगा। तो सलाम, दर्शन भी करना है आज, रुद्रप्रयाग छोड़ के जाना है। ओहो कितना प्यारा मंदिर। और इधर से हम लोगों ने लिए प्रसाद वगैरह जो, और साइकिल इधर छोड़ दिए, और इधर होटल भी है। हम इधर आके ही ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे यार, सुबह से कुछ नहीं खाया। जब कुछ नहीं खाते तो एनर्जी लूज रहता ही है। हाँ हाय हाय, कितना प्यारा गेट से महाधारी देवी। इधर से पूरा ऐसे एक राउंड जाना पड़ेगा तब मिलेगा ये मंदिर, देख सकते हो बहुत प्यारा मंदिर है यार। तो फटाफट निकलता है, छोटू भाई गया है शायद। पहुँच ही गया, थोड़ा सा बाकी है और सब। बहुत प्यार से दर्शन वगैरह हो चुकी है, अभी और जाना है यार। और आप लोग ये से हो भाई, इधर से देखो धारी देवी मंदिर, ओ माय गॉड बहुत ही प्यारा है। तो देख सकते हो गेट, और प्यारा सा दर्शन हो गया है माँ धारी देवी का, बहुत अच्छा लगा यार। तो इधर कुछ साहिबानी पे वगैरह पी के जाएंगे, इधर ही साइकिल वगैरह रख दिए थे अपन का, हाँ साइकिल ही है। तो पूछते हैं कुछ मिलता है कि नहीं खाने के लिए। हर हर महादेव। तो दो दो पराठा दबा के अभी जाएगा ना, चलो थोड़ा 10 मिनट बैठ लेते यार। तो अभी हम लोग है एक थबा में, क्योंकि यार इधर थोड़ा गर्म ज़्यादा ही है, और साथ में पोल्यूशन भी बहुत है यार रास्ते में। तो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, दोपहर का टाइम है। जब धारी देवी मंदिर से निकल के एक पराठा खाया था 50 रुपीज़ वाला, तो अभी ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ ऐसा लग रहा है फिर। तो थोड़ा टाइम बैठेंगे उसके बाद और जान निकलेंगे, क्योंकि रुद्रप्रयाग तक, रुद्रप्रयाग सोर के आगे तक जाना पड़ेगा, तब मतलब हिसाब बराबर होते रहेगा। मतलब हम लोग का जो एम है 40-50, बस इतना तो चलना ही पड़ेगा रोज, पहाड़ हो या जंगल हो कुछ भी हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केदारनाथ इधर का जो लोकल लोग है वो तो बोल रहा है कि अब तो खुलेगा नहीं, क्योंकि 3 साल तो जगह में लैंडस्लाइड हो गया बराबर वाला, तो थोड़ा मुश्किल है। पर महादेव कुछ भी आज करने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं आज थोड़ा मूड ही अलग है, शायद बॉडी पेन है इसलिए ऐसा हो रहा है। और थोड़ा सा डाउन मिले है, तो प्यार प्यार से जा रहा है, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बने रहे। तो ये सब आप तो मेरे लिए इतना बड़ी बात नहीं है। गंगोत्री में 6-7 दिन, यमुनोत्री 5-6 दिन, तो हम लोगों का तो प्रैक्टिस तो हो गया है, मतलब ट्रेन तो हो गया हम लोग आप में सरने के लिए। अभी बस एक ही चीज़ है, ये थोड़ा बॉडी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे पेंट है, तो थोड़ा दिन लगेगा थोड़ा ठीक होने में। और बद्रीनाथ का रोड भी पूरा ऑफ ही है, आने के टाइम में आराम मिलेगा। और केदारनाथ का बात बोले तो केदारनाथ थोड़ा अनपॉसिबल वाली चीज़ हो गई है अब, क्योंकि उसमें हर दिन एक ना एक प्रॉब्लम आ रहा है, कभी लैंडस्लाइड वगैरह, कभी बादल फटना, ये सब हो रहा है, तो थोड़ा मुश्किल होगा शायद। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू। रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे, पता नहीं आज कितना चल सकेंगे, बट अभी तक तो चल ही रहा है। तो आज धारी देवी का दर्शन किए हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। ओ माय गॉड, तो इधर से थोड़ा सा डाउन है शायद लग रहा है, सोतू तो वो वाला पहाड़ में है भाई। क्या बनाया था यार ये, साइड का टूट गया शायद लग रहा है, ये ब्रिज बन रहा था ना, एक महीना हो गया टूटा वाला, शायद अनबैलेंस टाइप का हो गया, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो गया ऐसा टाइप का ना, बारिश की वजह से, बारिश की वजह से। ऊपर जाता है बद्रीनाथ, और ये साइड जाएगा केदारनाथ, गुप्त काशी, इधर से 48 किलोमीटर, और गौरीकुंड 80 किलोमीटर, लेकिन अभी तो फिलहाल सोनप्रयाग से रास्ता सब बंद है। हम लोग पहले केदारनाथ मार्ग के आते हैं ना अंकल, केदारनाथ बद्रीनाथ करके आते हैं पहले हम लोग, उसके बाद आगे से भी रोड जाएगा ना। हाँ इधर में ही आना पड़ेगा, वो रास्ता ब्लॉक है,
वहाँ से कोई रास्ता है नहीं ना आगे से, मतलब कोई रास्ता नहीं है बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का, तो इधर और वापस आना पड़ेगा रुद्रप्रयाग। कोई दिक्कत नहीं, आएंगे अभी इधर से थोड़ा सराई है तो सरते हैं यार। अरे केदारनाथ भाई भाई भाई। अच्छा भी हम लोगों का अभी जहाँ जा रहा बद्रीनाथ जा रहा हो ये साइड से, तो बद्रीनाथ लगेगा आपका कंप्लीट होने में 5 days तो लगेगा आराम से आने जाने का। और ये देख सकते हो आप लोग केदारनाथ जाने का रास्ता, ये अभी इतना सिंपल देख रहे हो ना, आगे जितना जाओगे उतना ही दर्दनाक रास्ता मिलते जाएगा। हम लोग तो थोड़ा ट्रेंड है क्योंकि यार गंगोत्री और यमुनोत्री करके आए ना हम लोग। चलो आगे यार रुद्रप्रयाग, चलो हर हर महादेव। तो फिलहाल अभी हूँ रुद्रप्रयाग में, देख सकते हो ये रुद्रप्रयाग टाउन आधा टाउन छोड़ के आ गया, अभी ये एंडिंग टाउन है। अभी थोड़ा मुंह में हंसी आया है यार, इतना सारा टेंशन मुंह कर रखा था यार, फिर भी याद आता है तो वही उदासी हो जाता है। चलो हर हर महादेव रहा। और पीछे देख सकते हो कितना डाउन छोड़ के आ चुके हैं। तो आगे 2 गुरुद्वारे हैं तो उधर तक चलते हैं, रहने का व्यवस्था होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ दूसरा उपाय होगा। दोस्तों रुद्रप्रयाग शहर टाउन कुछ इस तरह का है भाई, कितना प्यारा दिख रहा है देखो ना यार, तो सारे उधर बिल्डिंग बिल्डिंग है, एक एक पीला काला वाइट ब्लैक हर चीज़ है, कितना प्यारा दिख रहा है। और साइड से अलकनंदा बह रहा है, ये अलकनंदा आता है बद्रीनाथ के साइड से। और आप लोगों को हम सरस्वती नदी भी दिखाएंगे, सरस्वती नदी जो कि वो डायरेक्ट निकल के ही डायरेक्ट पाताल में चला जाता है, वो जगह भी दिखाएंगे, वो है माना गाँव में। चलो यार मज़ा आएगा, लेकिन इधर का रास्ता बहुत डेंजरस है यार, इतना खरा खरा आप है, खरा खरा आप मिलेगा आपको। डाउन कैसा है अब तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है इधर का, तो चलो चलते हैं। और पीछे देख सकते हो कितना प्यारा टाउन, हर हर महादेव। चलो भयंकर डाउन है, आप जैसा है भयंकर डाउन भी है, तो कैमरा को अंदर डाल लेते हैं, अभी कैमरा गिरने वाला था मेरा, साल कैमरा गिर जाएगा ना जीते जीते मर जाऊंगा। ये देख सकते हो बन रहा है, तो बहुत थक चुका है यार, अभी हम लोग पास है समरपुर। तो भाई लोग यार रात हो चुकी है, टाइम तो कितना हुआ पता नहीं है, नहीं 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 पता है, 7:30 बज चुका है। और हम लोगों का प्लान था गुरुद्वारा में रहने का, एक गुरुद्वारा छोड़ के आ गया, वो छोटा गुरुद्वारा है बस, उधर लंगर लगता है, खाना मतलब खाना वगैरह उधर लगता है, लेकिन उधर रहने का व्यवस्था कुछ है नहीं। तो अभी और अभी इधर से अभी जहाँ मैं हूँ इधर से है आपका 5 किलोमीटर आगे एक गुरुद्वार भटवारा बोलता है जगह का नाम, तो उधर तक अभी निकल रहा है, फटाफट थोड़ा सा डाउन भी है आप भी है, मैं पूछ लिया हर लोगों से और सब लोगों ने बोला था कि रात को ना चलो। हाँ मेरे को भी पता है नहीं चलना, लेकिन हम लोग स्टे करते हैं जहाँ अच्छा जगह मिले, जहाँ सुविधा होता है उधर ही स्टे करते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रुद्रप्रयाग से अभी हम लोग 9-10 किलोमीटर आ चुके हैं शायद, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के सो तो चलो। तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद गुरुद्वारा पहुँचे हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वाओ गाइस, उधर साइकिल वगैरह से उड़ के आ गए और इधर लग रहा है खाना वगैरह, हम लोग भी खाएंगे। पहले हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा एंटी के लिए, तो एंटी वगैरह तो हो चुका है हम लोगों का, तो खाना का होगा